इन दिस वीडियो ऑफ एनएसओ फॉर क्लास सेवन आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर ट्वेल्व दैट इज मोशन एंड टाइम फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वैल्युसिटी ऑफ अर बॉडी इज इक्वल टू मीन्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यूसिटी एंड फाइनल वैलोसिटी द एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी इज तो हमें बताना है कि अगर एवरेज वैलोसिटी ऑफ बॉडी जो है वो उसकी मीन वैल्योसिटी के इक्वल है मीन्स की यूनिफॉर्म है तो एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी इज क्या होगा वो यूनिफॉर्म होगा बिकॉज उसका वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज जो है वैलोसिटी का वो हो ही नहीं रहा है अगर रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी यूनिफॉर्म होता है इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय लेट इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय यू देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय वी प्लस यू बाई टू इन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म मीन्स कि कोई चेंज नहीं है कॉन्स्टेंट है विच ऑफ़ द गिवन ऑप्शन शोज हेयर इज़ अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम फॉर दिस मोशन तो हमें पता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है इस मोशन को शो करेगा ठीक है अब वेलोसिटी किस एक्सेस पर है एक्स वाई एक्सेस पर और एक्स एक्सेस पे क्या है टाइम में तो इन दिस केस टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो दिस इज रॉन्ग इन दिस केस टाइम इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी जो है दैट इज कॉन्स्टेंट मीन्स बी इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज

ऑन द वे बैग सुनील इज अहेड ऑफ रोहित सुनील यहाँ है और रोहित यहाँ है आगे है सुनील ऑन द वे बैक सुनील इज अड ऑफ रोहित विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिस्टेंस रन डिस्टेंस इज रन एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजन बिफोर रीचिंग द ओरिजन तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो इन्होंने डिस्टेंस कवर की बाई रनिंग उसके लिए और जो डिसप्लेसमेंट है ओरिजन से उसके लिए करेक्ट है इन बोथ केसेस तो ना यहाँ पर देखो सुनील अगर आगे है मीन्स की सुनील कवर्ड मोर डिस्टेंस तो डिस्टेंस की बात करें तो सुनील डिस्टेंस इज सुनील रन डिस्टेंस इज मोर देन द रोहित ठीक है ये हमने किस केस में जो डिस्टेंस की बात हुई डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन तो इनिशियल पोजिशन ये थी ये रोहित का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ का और ये किसका है सुनील का तो नाउ इट क्लियरली विजिबल कि रोहित का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सुनील तो डिस्प्लेसमेंट में रोहित इज ग्रेटर देन सुनील ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट सुनील हैज़ रन अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड हिज डिसप्लेसमेंट इज ग्रेटर देन रोहित तो अगर सुनील ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कम होनी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस कम बचेगी दोनों के बीच दिस इज रॉन्ग रोहित हैज़ रन अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड हिज डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द सुनील डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है ग्रेटर है और डिस्प्लेसमेंट भी ग्रेटर है दिस इज़ नॉट पॉसिबल और यहाँ विजिबल भी है डायग्राम में सुनील हैज़ रन अ ग्रेटर डिस्टेंस बट हिज डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन रोहित तो सी इज द राइट ऑब्वियसली अगर उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली तो नाव और रीजन से उसकी डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी मीन्स डिसप्लेसमेंट कम होगा और रोहित पीछे है तो रोहित की डिसप्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो सी इज़ द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ पार्टिकल ट्रेवलिंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट रोड अगर वो पार्टिकल कॉन्स्टेंट जा रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है मीन्स कि उसकी वैलोसिटी क्या होगी सेम होगी ठीक है इट्स पोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट एज टाइम पासिस पोजिशन कैसे चेंज होगी अगर वो मूव कर रहा है ट्रैवल कर रहा है तो दिस इज रॉन्ग इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनईक्वल टाइम इंटरवल दिस इज नॉट पॉसिबल अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर करना है और अनईक्वल टाइम है तो स्पीड मे बी फास्ट होगी मे बी स्लो होगी डिपेंड्स ऑन कि टाइम हमने ज्यादा लिया या कम लिया तो दिस इज रॉन्ग इसका चेंज ऑफ स्पीड का रेट है वो यूनिफॉर्म है इट्स एक्सलेशन होगा वो क्या होगा जीरो होगा क्वेश्चन द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशंस ऑफ टू कार्स एक्स एंड वाई विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर तो बेसिकली हमें बताना है कि इन्होंने ये ग्राफ शो किया जिसमें वाई एक्सेस पर डिस्टेंस और एक्स एक्सेस पर टाइम लिया एक्स एक कार है वाई एक कार है अब बताना है इन दोनों कार में से कौन फास्ट है ठीक है तो यहाँ पर देखो अगर हम एक्स का देखें तो एक्स ने डिस्टेंस कवर किए और उसने टाइम कितना लिया लेस ठीक है ए वाई ने डिस्टेंस कवर की दिस और टाइम के लिए ज़्यादा तो अगर हम सिंपल ही देख ले डिस्टेंस ज़्यादा कवर की कम टाइम में तो ऑब्वियसली फास्टर होगी अगर हमने डिस्टेंस भी कम कवर किया और टाइम भी ज़्यादा लिया तो हमारी स्पीड क्या है स्लो है ठीक है फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम तो नाउ यू कैन सी अगर टाइम कम होगा डिनोमिनेटर कम होगा तो स्पीड हाई होगी या न्यूमिनेटर हाई होगा तो हमारा स्पीड हाई होगी तो एक्स के केस में डर भी हाई है बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है और टाइम लेस है तो स्पीड किसकी फास्ट होगी एक्स की तो ए इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ग्राफ रिप्रेजेंट द केस ऑफ अ बॉडी फर्स्ट डिक्लेरेटिंग देन मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड फाइनली एक्सलरेटिंग तो सबसे पहले डिक्लेरेटिंग का मीन्स होता है डिक्रीज होना और एक्सिलेटिंग का मीन्स होता है इंक्रीज होना ठीक तो इन्होंने क्या बोला बॉडी पहले मूव कर रही है तो पहले वो क्या होगी इसकी इनिशियल वैलोसिटी से डिक्रीज होगी देन कॉन्स्टेंट रहेगी देन फाइनली इंक्रीज़ होगी तो नाउ इन दिस केस देखो अगर फर्स्ट केस में देखो डिक्रीज हुई इंक्रीज हुई कॉन्स्टेंट तो हुई नहीं तो ये ऑप्शन रॉन्ग है इन दिस केस पहले डिक्रीज हुई फिर कॉन्स्टेंट थी फिर इंक्रीज हुई मीन्स कि बी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्टेड फ्रॉम

जबकि X ने सेम डिस्टेंस को कवर किया टाइम लिया ज्यादा मीन्स स्पीड इज नॉट सेम ठीक है ये तो गलत हो गया वाई मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो ऐसा कहीं नहीं है कि वो ऐसा कहीं पता नहीं चल रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है तो बी इज रॉन्ग एक्स कंप्लीट्स हिज जर्नी अर्ली तो ऐसा नहीं है एक्स ने बाद में लिया बिकॉज इसने टाइम ज़्यादा लिया मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वाई ओवरटेक एक्स एट टेन टेन ए एम तो ये चेक करना है तो ना हो इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर इस टाइम पर मीन्स की टेन टेन पर दोनों सेम लोकेशन से बिकॉज एक दूसरे को जोड़ रहे थे फिर यहाँ पर वाई इस डायरेक्शन में गया एक्स इस डायरेक्शन में गया और ये बाद में पहुँचा मीन्स कि वाई पहले पहुँच गया मीन्स कि इट्स ओवरटेक एक्स एट टेन टेन तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि टेन टेन पे क्या था दोनों ने इंटरसेक्ट किया मीन्स की सेम लोकेशन पे उसके बाद वाई का जो आप स्लोप स्लोपे स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हमें इनकरेक्ट देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपीयर एज अ तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स क्या होता है जो मोशन है वो कॉन्स्टेंट नहीं है वो थ्रू आउट वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ से अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली ग्राफ भी कर्व के फॉर्म में होगा ठीक है तो दिस इज करेक्ट अ वाटर क्लॉक कैन बी यूज टू डिटम माइन द टाइम इंटरवल दैट हैज़ पास्ट यस ये हमारे पुराने टाइम में यूज़ होता था कि हम दो वेसल्स लेते थे ऊपर वाले में पानी भर देते थे और नीचे वाले में पानी को स्टोर करते थे तो पानी उसमें ड्रिप होता था और जो फिक्स टाइम होता था कि फुल ऑफ वैसल्स होता था जो टॉप पे होता था तो दैट वॉज यूज टू काउंट द टाइम इंटरवल जितने टाइम में वो वैसल्स खाली होकर दूसरे में ट्रांसफर हो गई ठीक है फिर क्या है गैले लो गैली प्रूफ दैट द मोशन ऑफ पेंडोलम इज तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डू नॉट चेंज ऐसा नहीं है चेंज हो सकता है मीन्स की डी इज द राइट ऑप्शन अ कार एट सेवन थर्टी ए एम इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ फोर किलोमीटर पर मिनट एंड एन ऑडोमीटर रीडिंग रिकॉर्डेड इज ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी एट किलोमीटर वॉट वुड बी द ओडोमीटर रीडिंग एट नाइन फिफ्टीन ए एम तो बेसिकली जब उसने जर्नी को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी दिस वन अब हमें बताना है ओडोमीटर की रीडिंग क्या होगी एट नाइन फिफ्टीन पे नाइन फिफ्टीन ए एम और स्पीड ऑफ कार जो है वो फोर किलोमीटर पर मिनट है फोर किलोमीटर पर मिनट मीन डिस्टेंस कवर्ड इन वन मिनट वो कब है? पे. तो इनके बीच का टू फोर किलोमीटर होगा पहले तो हमें वो find out करना होगा तो टाइम डिफरेंस जो है इनका टाइम इंटरवल दिखा देते हैं वो क्या होगा ठीक है जब इनका हम डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा आएगा वन आर 45 मिनट ठीक है अब टाइम जो आया वन आवर 45 फाइव मिनट बट हमारी यहाँ पे डिस्टेंस मिनट्स में हो रही है तो वन आवर 45 मिनट वन आवर 45 मिनट इज इक्वल टू वन आर के लिए 60 मिनट प्लस 45 इज इक्वल टू वन जीरो फाइव मिनट्स ठीक है ये हो गया टोटल टाइम अब एक मिनट में वो चार किलोमीटर जाता है तो 105 मिनट्स में वो कितना जाएगा ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 105 जीरो फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो फोर फाइव जो ट्वेंटी की जीरो पावर आई टू तो यहाँ पे आएगा टू क्योंकि जीरो था और ये फोर मीन्स कि वन आवर फोर्टी फाइव मिनट में वो फोर हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर और जाता है तो नाउ वॉट इज द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इनिशियली रीडिंग जो थी ओनली एट एट अब उसने जो कवर की वो है 420 ऐड करते हैं ऐड करेंगे तो क्या होगा एट प्लस जीरो से एट सिक्स प्लस टू से एट फाइव प्लस फोर से नाइन यहाँ एट और यहाँ टू मींस की 28,988 मींस थाउजेंड विच ऑप्शन इज करेक्ट तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि एक मिनट में वो कितना चलता है फोर किलोमीटर फिर हमने टाइम डिफरेंस लिया वो कैसे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यहाँ पर हमने माइनस किया है वी गेट वन आर फोर्टी फाइव मिनट देन हमने इसको कन्वर्ट्स किया मिनट्स में बिकॉज जो स्पीड दे रखी थी वो पर मिनट दे रखे थे तो टोटल मिनट वॉज वन हंड्रेड फाइव मिनट तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से मिनट्स इंटू डिस्टेंस को तो वी गेट फाइनल डिस्टेंस दैट इज फोर ट्वेंटी उसको हमने इनिशियल वैल्यू से ऐड किया तो हमें फाइनल रीडिंग मिल गई तो बी इज द राइट ऑप्शन पैंडुलम्स ऑफ डिफरेंट लेंथ हैविंग बॉब ऑफ डिफरेंट मासिस आर शोन इन डायग्राम्स विथ रेफरेंस टू दीज टू pendulums आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि मास का और डिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है अगर मास डिफरेंट हो तो उससे पैंडुलम के पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है इफ जो उसकी लेंथ होती है पेंडुलम की वो ज्यादा होगी तो उसका पीरियड क्या होगा वो ज्यादा होगा ठीक है क्लियर है तो नाउ अब स्टेटमेंट देख लेते हैं इज पेंडुलम पी हैज हाइयर टाइम पीरियड पेंडुलम पी हैज हायर टाइम पीरियड देन पेंडुलम क्यू इज करेक्ट बिकॉज पी की जो लेंथ थी वो ज्यादा थी और क्योंकि जो लेंथ थी वो कम थी मास दोनों के डिफरेंट हो डज नॉट मैटर लेंथ अगर ज्यादा है तो पीरियड ज्यादा होगा तो ए इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन एट टी इज इक्वल टू जीरो डायग्राम गिवन है हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं अ कार फॉलोज द गिवन पाथ एज शोन इन द फिगर वॉट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार तो इन दिस केस डिफरेंट स्पीड्स दिखाई गई हैं डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड है तो मीन्स की एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ठीक है तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस टेन एटीन सेवन एंड फिफ्टीन इनको प्लस करो टेन प्लस ट्वें एटीन इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस सेवन विल बी थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन विल बी फिफ्टीन मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 50 एंड टोटल टाइम इज द फाइनल टाइम दैट इज़ 14 ठीक है नाउ अब ऑप्शंस देखते हैं अगर हम तो ऑप्शंस दे रखा है किलोमीटर पर आर मींस कि हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा वन अब क्या होता है वन आर इज इक्वल टू 60 मिनट्स ठीक है मींस देन वन मिनट इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई सिक्सटी आर ठीक है ये होता है तो फोटीन को भी हम किस में डिवाइड करेंगे सिक्सटी से जब सिक्सटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू फिफ्टी इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोटीन ठीक सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी ट्वेंटी फाइव दिस विल बी सेवन ठीक ट्वेंटी फाइव को सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ट्वेंटी फ़ाइव इंटू सिक्सटी एस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव जीरो ज़ीरो ट्वेंटी फाइव सिक्स क्या होता है वन हंड्रेड फिफ्टी 7. बाई सेवन सेवन से डिवाइड करना है नाउ इसको सॉल्व करो अगर सेवन से डिवाइड करोगे सेवन टू जा फोर्टीन हाउ मच रिमाइंडर वन वन के साथ जीरो लिया तो सेवन वन झा सेवन इज द रिमाइंडर रिमाइंडर इज थ्री नाउ जीरो को लिया सेवन फोर जवेंटीडर ट्वेंटी एट माइनस किया तो टू नाउ टू के आगे जीरो और यहाँ हमारा पॉइंट सेवन टू जा फोर्टीन ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर टू इतना ही काफी है यहाँ पे देख लो सी इज द राइट ऑप्शन आगे भी आप कर सकते हो सिक्स के आगे जीरो आएगा है ना तो सेवन एट या फिफ्टी सिक्स तो आगे तक की वैल्यू निकाल सकते हो अगर सेम डिजिट्स होती हैं तो बट यहाँ पर टू वन फोर का एक ही ऑप्शन है सी इज़ द राइट ऑप्शन

दिस ग्राफ इज फॉर कार पी और यहाँ पर देखो थ्री सेकेंड पे पी ने ओवरटेक किया क्यू को मीन्स की दिस इज करेक्ट ठीक है कार क्यू पास पी एट टी इज इक्वल टू वन सेकेंड नाउ यहाँ देखो क्यू आगे जा रही है मीन्स कार क्यू ओवरटेक पी मीन्स विच इज इन करेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दैट इज फर्स्ट वन तो ए इज द राइट ऑप्शन वन ओनली इन द गिंग फिगर टू कार्स कमिंग फ्राम टाउन पी आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ सिक्सटी फाइव किलोमीटर पर आवर वेन दे रीच द क्रॉस रोड वन ऑफ द कार टर्न टूवर्ड्स टाउन क्यू वेर इज द अदर कंटिन्यू फॉरवर्ड टूवर्ड्स टाउन आर बोथ कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड किलोमीटर पर आवर विच ऑफ द गि ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन सिचुएशन तो एक पॉइंट पी है यहाँ से दोनों कार की स्पीड क्या है सिक्सटी फाइव किलोमीटर पर आवर ठीक है इस स्पीड से आ रही है इस क्रॉस पॉइंट पर इन्होंने डायरेक्शन को चेंज किया क्योंकि जो है इस साइड चलेगी और आर ने कंटिन्यू किया तो नाउ और स्पीड इनकी सेम है तो स्टेटमेंट्स देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बोथ द कार हैव द सेम वेलोसिटी इवन इफ द कार टर्न्स टूवर्ड्स q अगर कार की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी तो दिस इज रॉन्ग टू बॉडीज हैव सेम वेलोसिटी इफ दे आर मूविंग विद सेम स्पीड इन सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन तो दिस इज ऑल्सो रोंग अगर डिफरेंट डायरेक्शंस होगी तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो नाउ ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए में लिखा है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट तो हमने पहले ही कहा दोनों ही इनकरेक्ट है मीन्स दिस इज रॉन्ग बोथ वन एंड टू आर करेक्ट बट टू इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दोनों ही गलत थे ओनली वन इज करेक्ट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नाओ लास्ट ऑप्शन इज नाइदर वन क्ट टू डी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी मोहन टेक्स फिफ्टीन मिनट टू गो फ्रॉम हिज होम टू स्कूल पंद्रह मिनट लेता है वो घर से स्कूल जाने में एंड थर्टी मिनट फ्रॉम रिटर्न जर्नी थर्टी मिनट लेता है स्कूल से घर आने में इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर डिस्टेंस क्या है स्कूल से होम की वो फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर है वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाई एवरेज Velocity is, is equal to displacement displacement by time, थीके? And displacement means Difference between final position and initial position. तो जब वो इस घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर ही आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो क्योंकि उसकी स्टार्टिंग position भी घर था और लास्ट position भी घर था तो जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम तो यहां पे क्या हो जाएगा जीरो मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन ए ट्रेन अ स्टेशन एक्स एट फाइव पी एम एंड रीचेस टू अनदर स्टेशन वाई एट मिड टाइम पांच बजे उसने लीव किया स्टेशन को एक्स को और वाई पर वो रीच हुई बन नाइट पर मीन्स ट्वेल्व ए एम पर इफ इट्स स्पीड इज नाइंटी किलोमीटर पर आर इसकी एस क्या दे दी नाइनटी किलोमीटर पर आर ठीक है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई हमें फाइंड आउट क्या करना है डी तो सबसे पहले तो हम टी फाइंड आउट करें तो टी कैसे निकलेगा टी निकलेगा बाई फाइनल टाइम एंड फर्स्ट टाइम तो टी इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन सेवन आवर्स लगे उसको ठीक एस हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एस का स्पीड एस इज इक्वल टू होता है डी डिवाइडेड बाई टी टाइम ठीक है तो so, नाउ अब हमें चाहिए क्या डिस्टेंस तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टाइम स्पीड हमें पता है स्पीड इज 90 और टाइम इज 7 तो so, मल्टीप्लाई किया 97 जा नाइनटी तो विच इज राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन 630 किलोमीटर मैच द अचीवर सेक्शन मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन विथ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड तो इसके लिए ग्राफ कैसे होगा विथ वेरिएबल स्पीड मींस ये डिस्टेंस है ये टाइम है वेरिएबल मींस कि स्पीड इसकी चेंज हो रही है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा नाउ ऑप्शन देखते हैं मींस फर्स्ट के साथ हमारा थर्ड वाला ग्राफ जाएगा नाउ ऑप्शन देखते हैं आंसर में एक बार यहां पर देखो ए के साथ 3 ए के साथ 3 सिर्फ सी ऑप्शन में है मींस दिस इज द करेक्ट स्टिल हम सबको वेरीफाई कर लेते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रेस्ट का मीन्स है कि टाइम बढ़ेगा बट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो दिस इज करेक्ट मीन्स कि बी के साथ टू जाएगा और सी द ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल जो हमने फर्स्ट ग्राफ देखा था उसमें क्या था ये टाइम टी है और यहां पर डिस्टेंस हाई कवर की जब टाइम चेंज नहीं हुआ तो एकदम से स्पीड कैसे बढ़ डिस्टेंस कैसे कवर होगी दैट्स वाई दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड यहां पर होगा कॉन्स्टेंट स्पीड टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रही है मीन्स डी के साथ जाएगा फोर्थ वन तो सी इज द राइट ऑप्शन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड तो नाउ यू कैन सी यहाँ जो वेलोसिटी थी पॉजिटिव थी यहाँ क्या है नेगेटिव है मीन्स की वेलोसिटी अगर माइनस में जाती है तो वो टर्न अराउंड होगा तो दिस इज इन करेक्ट हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है द पार्टिकल हैज ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी पोजिशन चेंज हो रही है दैट्स मीन्स कि जब डिस्प्लेसमेंट है है ना पोजिशन चेंज हो रही है तो एरिया भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो बी इज द रॉन्ग एंड नेक्स्ट है द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल ज़ीरो सेकेंड टू टेन सेकेंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल टेन सेकेंड टू ट्वेंटी सेकेंड तो नाउ इन्हों की स्टेटमेंट क्या है कि जीरो से टेन सेकेंड में जो इन्होंने स्पीड थी वही स्पीड इनकी क्या होगी टेन टू ट्वेंटी में तो नाओ यू कैन सी जो टेन से जीरो टू टेन सेकेंड में एरिया कवर किया वो और जो टेन से ट्वेंटी सेकेंड में एरिया कवर किया वो था सेम अगर एरिया सेम है तो क्या होगी इनकी स्पीड भी सेम होगी तो सी इज द राइट ऑप्शन स्टडी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a कार car given here एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो पहले हम इसी को एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पर देखो ये 0 टू 10 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितनी कवर की 5 मीटर ठीक है 10 टू 20 सेकेंड में ये 5 से 7 गया means कि इसने 2 मीटर कवर की 20 से 30 सेकेंड में ये कहाँ गया 10 पर पहले 7 पे था नाउ 10 पे गया तो यहाँ पर क्या हो गई थ्री ठीक है अब यहाँ पर थर्टी से फोर्टी में यहाँ पर टेन थी यहां पर सेवन है मीन्स इसने टोटल क्या डिस्टेंस कवर की थ्री ठीक है नाउ अब हम ऑप्शन देखते हैं द टॉय कार इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड यस उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसी में कवर की है फाइव मीन्स की दिस इज द फास्टेस्ट तो दिस इज करेक्ट हमें इन करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ना द था ऑलरेडी थ्री मीटर था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टू आई कार इज टेन मीटर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई इस क्वेश्चन हमें इन करेक्ट ऑप्शन देखना था तो डी इज द इन करेक्ट अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो चेक करते हैं देखो पहले तो उन्होंने कहा था टोटल डिस्टेंस टेन है तो देखो यहां तक तो टेन हो गई और उसके बाद ये थ्री मीटर डाउन भी तो आया तो टेन प्लस थ्री इज इक्वल टू थर्टीन मीटर तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई थर्टीन मीटर तो डी इज द राइट ऑप्शन ठीक क्वेश्चन डू यू ड्रॉ अबाउट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो नाउ अगर यहाँ देखो तो यहाँ वेलोसिटी क्या है डिक्रीज हो रही है और यहाँ वेलोसिटी क्या है चेंज हो रही है हर बार तो नॉन यूनिफॉर्म है इन ग्राफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ रिटार्डेशन एंड इन ग्राफ बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिटार्डेशन तो सही है बट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट दिस इज रॉन्ग फॉर ग्राफ बी नाउ नेक्स्ट देखते हैं इन ग्राफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ रिटार्डेशन एंड इन ग्राफ बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन तो दिस इज करेक्ट तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हमने अभी जस्ट मेंशन भी किया था ठीक so, है नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाई द फिगर तो हमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम जीरो विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि वेल्यूसिटी भी चेंज है और इसका क्या कहते हैं स्पीड भी चेंज है ठीक है तो दिस इज रॉन्ग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली ऐसा भी नहीं है ठीक है चेंज हो रहा है ठीक है नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी इज जीरो तो नाउ इन दिस केस नाउ यू कैन सी ओरिजन पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट बोथ था सेम पॉइंट जब बोथ सेम ही होंगे तो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स एवरेज वेलोसिटी जीरो बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज गिवेन बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है एवरेज इनिशियल एंड लास्ट पोजिशन इज सेम इन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, टी इज़ इक्वल टू जीरो तो सी इज़ राइट ऑप्शन इफ एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू